नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 7 जुलाई, कल के सेशन में अगर हम बात करें तो USD/INR में वॉलिटी काफी अच्छी थी, बट मार्केट फ्लैट टोन के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। हमने दिन के सेशन में देखा रुपए में मजबूती आती हुई दिखाई दी, जो 74-60 के करीब भी जाता हुआ दिखाई दिया। बट अचानक ही हमने देखा डॉलर में फिर से गेन आता हुआ दिखाई दिया और डॉलर करीबन 75 के करीब हम बोल सकते हैं जाता हुआ दिखाई दिया, और वहां से फिर से रुपये में स्ट्रेंथ था, जिस ढंग से इक्विटी मार्केट में हमने एक अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी। साथ में हमने देखा कि RBI से भी कुछ बाइंग होती हुई दिखाई दी, जिसके चलते हमने रुपए को फिर से 74-78 के करीब क्लोज होते हुए देखा। वहीं यूरो GBP दोनों में ही हमने स्पेस बाइंग और शॉर्ट कवरिंग के चलते तेजी आती हुई देखी। जिस ढंग से यूरो जोन के हमने रिटेल सेल्स रिबाउंड होते हुए देखे एक्सपेक्टेड पेस से ज्यादा, उसके चलते यूरो में हमने एक बाउंस आते हुए देखा। वहीं पाउंड की भी अगर बात करें तो निगोशिएशन अभी भी हाईली चल रहे हैं, जो हो सकता है कि कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाए, बट अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो हैव टू सी कि ये आगे के लेवल्स कहाँ तक लेके जाता है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि 94-93 का एक बड़ा ब्रॉडर रेंज बन चुका है GBP/INR के लिए। वहीं JPY में हमने एक सो स्प्रेड देखा, प्राइजेस फ्रेश सेलिंग के चलते हमने 69.56 के करीब क्लोज होते हुए देखा। आज के अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, विक्स फिर से बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो COVID-19 के केसेस है वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, और कुछ अटकलें ये भी लगाई जा रही है ये एयर बाउंड हो सकता है, जिसके चलते आज ग्लोबल इक्विटी मार्केट में हमने थोड़ा बहुत नेगेटिव प्राइस स्टार्ट होते हुए देखा है। डॉलर इंडेक्स भी ज्यादा बड़ा कोई तेजी या मंदी दिखा नहीं रहा है, 96.66 के करीब ट्रेड कर रहा है। सोने चांदी में थोड़ा बहुत बाउंस है, जो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी देता है, ये कंसर्न बना हुआ है। तो आज की ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आज USD/INR की ओपनिंग 74-76 से करीब होगी, जो फ्लैटिश टोन के साथ है। यूरो में गिरावट के साथ ओपन होगा, जो करीबन 54-55 के करीब ओपन होगा। GBP की अगर बात करें, कल की तेजी के बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग है, जो 93-39 के करीब ओपन होता हुआ दिखाई देगा। जबकि JPY में पॉजिटिवनेस दिख सकता है, जो 69-62, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि रिस्क अभी भी बरकरार है मार्केट में, जिसके चलते येन में बाइंग दिखाई दे रही है। चार्टिकली बात करें तो यूरो यूएसडी का चार्ट आज हम दिखा रहे हैं, जहां पे हमने देखा कि मल्टीपल ऑफ टाइम ये एक सपोर्ट लाइन पे मेंटेन किया हुआ है। हायर साइड भी एकदम हम बोल सकते हैं कि मार्केट कॉशियस है, 1.1360 के करीब इसके ऊपर प्राइजेस जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इनिशियल तेजी के बाद फिर से प्राइजेस में गिरावट देखने मिल सकती है। यहाँ पे RSI आप देख सकते हैं ओवरबॉट जोन में पहुंच चुकी है, इंट्राडे चार्ट है। वहीं डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 96.50 का बन चुका है। इससे पहले भी हमने देखा था कि 96.40 के लो से मार्केट उठकर करीबन 97.80 तक गया था। कहीं ना कहीं RSI भी है, अब धीरे धीरे रिकवर करना चालू कर चुकी है। तो डॉलर इंडेक्स पर ध्यान रखिए, अगर ये बाउंस आता है तो USD/INR में भी हम बाउंस देख सकते हैं, बट 75 के ऊपर जाने के बाद ही हम USD/INR में बाउंस देखेंगे, अदरवाइज 74.50 से 75 के बीच में ही ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हम सबसे पहले वीडियोस और कमोडिटी अपडेट लाते रहे। धन्यवाद।